नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरकार ने श्रमिकों के मान सम्मान के लिए उठाया सार्थक कदम। श्रमिक की बेटी की शादी में सरकार 51,000 रुपए का देगी कन्यादान। बर्ड फ्लू से जूझ रहे पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए आई अच्छी खबर। प्रदेश में पहली बार तैयार होगी बर्ड फ्लू की वैक्सीन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन पर उठाया सवाल। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर लगा दी रोक तो धरने पर क्यों बैठे हैं किसान। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल सिंह ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा, 26 जनवरी की परेड को लेकर सरकार किसानों को बना रही है निशाना। सोनीपत में पंचायत चुनाव से पहले बदमाशों के हौसले बुलंद। अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाने को लेकर एक शख्स ने अपने दोस्त पर चाकुओं से किया हमला। हरियाणा भारत में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक अच्छी शुरुआत की है। सरकार ने श्रमिकों के मान सम्मान के लिए सार्थक कदम उठाया है, जिसके तहत अब किसी भी श्रमिक की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से कन्यादान के तौर पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मकान खरीदने के लिए 2,00,000 रुपए कर की राशि पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बर्ड फ्लू से जूझ रहे हरियाणा के पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में पहली बार बर्ड फ्लू की वैक्सीन तैयार की जा रही है। दरअसल हिसार की एक कंपनी इंडोवैक्स ने इस पर शोध भी शुरू कर दिया है। जल्द ही कंपनी इस वैक्सीन का उत्पादन हिसार में शुरू कर देगी। फिलहाल मुर्गियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए हरियाणा में गुजरात से वैक्सीन मंगवाई जा रही है। वहीं अगर हिसार में इंडोवैक्स कंपनी की वैक्सीन जल्द बन जाती है तो प्रदेश में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। किसान और सरकार के बीच होने वाली 10वें दौर की बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाया है। तोमर ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी तो किसान धरने पर क्यों हैं? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसानों से 9 बार बात की है। हम चाहते हैं कि कृषि कानूनों पर किसान हर क्लॉज पर चर्चा करें। अगर उन्हें कोई आपत्ति होगी तो हम समाधान के लिए तैयार हैं। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है। पाल ने कहा है कि किसानों ने 26 जनवरी की परेड को लेकर एनआईए उन लोगों को निशाना बना रही है। एनआईए ने उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए हैं जो किसान आंदोलन का हिस्सा है या जिन्होंने इसे अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी किसान संघ इसकी निंदा करते हैं, साथ ही वो हर संभव तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। पंजाब में और दूसरी जगह पर भी एनआईए ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कल हमारे पंजाब की बैठक थी उससे भी हमने इसकी निंदा की थी। किसी ने बस भेजी है यहां उसको भी, किसी ने लंगर लगाया उसको भी, किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है उसको भी। इस तरह से तरह तरह के लोगों के ऊपर एनआईए जो है वो नोटिस ही नहीं भेज रही, उन पर केस देशद्रोह राजद्रोह वगैरह के उनके ऊपर केस बना रहे हैं। किसान 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर के साथ शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं और अब किसानों ने इसके रिहर्सल के लिए 19 जनवरी का दिन तय किया है। दिन के 3 बजे से रिहर्सल की शुरुआत की जाएगी। इसकी जानकारी किसान मोर्चा हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके दी है। किसानों का कहना है, हर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली महिला किसानों की भी परेड में शामिल की जाएगी। वहीं 18 जनवरी को महिला किसान दिवस पर धरना स्थल का संचालन व भूख हड़ताल महिलाएं ही करेंगी। फैसले किए थे 13 को लोहड़ी वाला, अब ये कार्यक्रम हुआ 18 वाला कार्यक्रम आगे है। अभी जो किसान महिला दिवस के रूप में मनाएंगे, यहाँ जो स्टेज है वो महिलाओं को दिया जाएगा। जो बॉर्डर के लगते हैं, जितने बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं वो महिलाएं उसको चलाएगी 18 तारीख को कल। और जो दूर के इलाके हैं वहाँ भी हमने, मतलब अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ तहसील सत्र है वहाँ महिलाओं को इकट्ठा करेंगे। और ये पहली बार देश में जो महिला दिवस है इतनी बड़ी तादाद में मनाया जा रहा है और शायद महिलाओं को भी पहली बार पता लगेगा कि कोई महिला दिवस किसान दिवस भी आता है।
किसान आंदोलन में ट्रैक्टर पर तोप लगाकर सरकार पर हमला करने के बयान ने गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दरअसल उनके खिलाफ झज्जर जिला पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह मामला वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया है, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आए और कहा कि मैंने देश को तबाह करने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो फिर भी अपने ट्रैक्टर पर जरूर तोप लगाएंगे। लेकिन जो ये मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया है राष्ट्रद्रोह का, ये मुकदमा कतई नहीं बनता, क्योंकि हमने भारत माता के बारे में या हिंदुस्तान या इंडिया के बारे में ये बात नहीं बोली कि हम अपने इस देश को तबाह कर देंगे। हमने सरकार के बारे में बोला है कि अगर कोई भी सरकार किसानों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगी तो हम गुड़िया खाप तोप के माध्यम से उसको उड़ाने का काम करेंगे। और वो तोप हमारे पास कई प्रकार की तोप भी तो हम सरकार से ही लेंगे ना, तोप हम सरकार से ही लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनीपत में पंचायत चुनाव होने से पहले बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इसी के चलते महारा गांव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाने को लेकर एक शख्स ने अपने दोस्त और उसकी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोस्त की पत्नी की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने घायल के बयान पर हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की है। ये कैसे क्या वारदात हुई है जी? जी ये सरपंच की वोट बाबत हुई थी, वो बोले तो हम हमारे खिलाफत में वोट डालोगे, और तो वो बोले भाई हम तो हमने तो नहीं कही ये बात है, और तो इस करके उन्होंने हमारे घर में खुश कर वो वारदात कर दी तीनों आदमियों ने। ये मामला था कि 14 तारीख को हमारे पास खानपुर हॉस्पिटल से ग्रुप का आया था कि फलाने फलाने जो ये रोशनी वाइफ ऑफ राम नारायण है गाँव हमारा, ये लड़ाई झगड़े में घायल हुई है। इसके अलावा क्या चोट है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अब 54 दिन हो गए हैं। इस बीच तमाम बैठकें बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अलग अलग तरीकों से आंदोलन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रोहतक में किसानों ने मालव श्रृंखला बनाकर सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। मौके पर मौजूद युवाओं ने कहा कि आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। यह किसानों के समर्थन के लिए बनाई है, सब किसान हैं और ये फौजी भैया था कमांडो, इसके समर्थन के लिए मानव श्रृंखला बनाई है। रोहतक सिटी की रिपोर्ट। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की छत काटकर चोरों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बैंक मैनेजर पीडी गोयल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन की तरह जैसे ही वह बैंक पहुंचे तो स्टाफ ने उन्हें छत कटी हुई बताई और इसकी सूचना दी। की टीम आ रही है अभी, वो आके फर्दर जांच करेगी। अभी इस बारे में ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे देखने में लगता है कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस छत का या ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है बस। स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी लगता यही है, क्योंकि अभी हमने स्ट्रॉन्ग रूम खोला नहीं है, टीम के आने के बाद खोल लेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।